नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी चटपटी हरी चटनी है। खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इस चटनी को हम समोसे के साथ, कचौड़ी के साथ, पकौड़ियों के साथ में या कटलेट के साथ में ये बहुत अच्छी लगती है। और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। तो मैंने इसके लिए हरा धनिया लिया। अगर आपके पास पुदीना है तो आप वो भी ले सकते हो। थोड़ा सा हरे धनिए से भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और जो इसकी पतली पतली ये जो टहनियाँ होती हैं, ये देखिए इस तरह से नरम जो है वो आप ज़रूर लें। और दो हरी मिर्च लिए। जो जितना आप तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से ले सकते हो। दो हरी मिर्च ले रही हूँ मैं। एक छोटा टुकड़ा है, लगभग आधा इंच से थोड़ा सा कम है, अदरक का लिया हुआ है। 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली हुई है। और छोटे साइज़ के नींबू है तो मैं 2 नींबू का रस डाल रही हूँ। इससे टेस्ट तो अच्छा आता ही है, साथ ही चटनी भी हरी रहती है। 1 चम्मच में जीरा डाल रही हूँ, भुना हुआ नहीं है, कच्चा जीरा है। और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो शुरू करते हैं चटनी पीसना। तो यहाँ पर एक मैंने मिक्सर जार ले लिया है और मैं ऐसे रफली तोड़ करके इसमें धनिया डाल दूंगी। और चटनी को पीसने के लिए मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, नींबू का रस डाल रही हूँ, इसी में अच्छे से पीस जाएगी। और ये अदरक का टुकड़ा डाल दिया, लहसुन और 2 हरी मिर्च, इसे ऐसे तोड़ के डाल दे रही हूँ। ज़रूरत पड़ती है तो पानी डाल सकते हो। स्वाद अनुसार नमक, और नमक जब भी खाएं सेंधा नमक खाएं, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जीरा, तो अब मैं इसमें नींबू का रस डाल दूंगी। नींबू के रस से चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब मैं चटनी पीस लूंगी। ये देखिए हरी चटनी मैंने पीसी थी, तो अब ये गाढ़ी लग रही है मुझे। और मैंने पानी नहीं डाला था, जितना नींबू का रस था सिर्फ उसी में पीसी थी। तो अभी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, बर्फ़ के 2-3 टुकड़े डालूंगी। ऐसा बोलते हैं कि इससे भी चटनी ग्रीन रहती है, क्योंकि जब हम मिक्सर जार में चटनी पीसते हैं तो टेम्परेचर से गर्म होता है, तो उससे भी कलर में फ़र्क आता है। तो मैं चटनी पीस लूँगी। ये देखिए हमारी चाट पकौड़े समोसे वाली चटपटी चटनी बनके तैयार है। बहुत ही बढ़िया कलर आया, आप देख सकते हो अच्छे से पीस भी गई है। तो अब मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए कलर आप देख सकते हो कितना प्यारा आया है, एकदम ग्रीन कलर आया है। हमारी हरे धने की हरी चटपटी चटनी पीस के तैयार है खाने के लिए। इस चटनी को आप समोसे, कचौड़ी, चाट के साथ तो खा ही सकते हैं। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हो, ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर सकते हो, सैंडविच पे लगा सकते हो, इसका बहुत ही यूज़ है। तो एक बार आप इस चटनी को बनाइए और हफ्ता भर तक आप फ्रिज में रख के आराम से खा सकते हो। तो आप भी हरी चटनी की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि हरी चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।